इस देश में राज्यसभा में जून 2019 में फाइनेंस पर स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई। मनमोहन सिंह भी थे, अंबिका सोनी थी, गौरव गोगोई थे और मनीष तिवारी, ये चार चार कांग्रेस के मेंबर उस स्टैंडिंग कमेटी में थे। 16 लाख करोड़ रुपए से लेकर 36 लाख करोड़ रुपए के बीच काला धन इस देश से बाहर गया 29 सालों में। और उसी रिपोर्ट में ये भी था कि ये काला धन वापस होके दूसरे हथकंडों से ये देश में वापस आता है और ये यहाँ के खप जाता है। मोदी की समझ में ये आ गया था, ये जो विदेश में जमा काला धन है ये किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता भारत। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मोदी को निपटाने के लिए ये 20 लाख करोड़ का ये खेल है? ब्रह्मास्त्र पर हाँ एक लंबा विश्लेषण बाद में, पहले मोदी वाला हम विश्लेषण हाँ व्यूअर्स आपसे समझना चाहते हैं सर। हाँ मुनि जी, 10 10 10 मिनट का है वो, केवल कुछ चीजें बता दूं दर्शकों से। मैं नहीं कह रहा मुनि जी, इस देश में राज्यसभा में जून 2019 में फाइनेंस पर स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट देश के तीन दिग्गज वित्तीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, सबसे टॉप के जो थे, उन्होंने साथ मिलकर तैयार की थी। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने उस रिपोर्ट को पास किया, राज्यसभा में प्रस्तुत किया। और दर्शक बड़े ध्यान से सुन लें और जो कांग्रेसी हो वो भी जरा ध्यान से सुन लें कि उस स्टैंडिंग कमेटी में मनमोहन देसाई देखिए, बोले मनमोहन सिंह भी थे, अंबिका सोनी थी, गौरव गोगोई थे और मनीष तिवारी, ये चार चार कांग्रेस के मेंबर उस स्टैंडिंग कमेटी में थे। और मनीष जी, उस स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वो सनसनीखेज थी। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए, आज भी मीडिया जो है वो, खासकर लुटियन मीडिया, आज भी खैरातियों के हाथ में है। उन्होंने बड़ी सहूलियत से उस रिपोर्ट को दबा दिया और मेरा दावा है कि शायद ही कोई दर्शक जो हम लोग को सुन रहा हो उसको इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी हो। हालांकि मैं अपने फेसबुक पर लिख चुका हूँ इसको 2 साल पहले, जितना कर सकता था किया, वेबसाइट पे दिया, लेकिन कहीं मेन मीडिया में इस रिपोर्ट का जिक्र नहीं नहीं आता है है। और मनीष जी, उस रिपोर्ट में था कि 1980 से 2010, इन 30 सालों के बीच इस देश से, देखिए मैंने नोट किया है, इस देश से 216 अरब, जरा लिख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते कितने जीरो लगेंगे, 216 अरब डॉलर। और उस समय जो डॉलर का रेट था उसके हिसाब से 16.18 लाख करोड़ रुपए, 216 अरब डॉलर, 200 और 16, उसको अगर रुपए में उस समय के डॉलर का जो रेट था उससे कन्वर्ट करते तो 16.18 लाख करोड़ रुपए से लेकर 490 अरब डॉलर, ये हो जाती है उस समय के हिसाब से 36.62 लाख करोड़ रुपए, यानी अरे सोलह वाह, लाख करोड़ 16 लाख करोड़ रुपए से लेकर 36 लाख करोड़ रुपए के बीच काला धन इस देश से बाहर गया 29 सालों में, 1980 से 2010 के बीच। और उसी रिपोर्ट में ये भी था कि ये काला धन वापस होके दूसरे हथकंडों से ये देश में वापस आता है और ये यहाँ के खप जाता है। लेकिन उन्होंने 16 से 36 इसीलिए किया था कि 36 लाख करोड़ तो गया, लेकिन अब भी कम से कम 16 से 20 लाख करोड़ रुपए का काला धन विदेशों में जमा है। और मनीष जी, 2014 में आने के बाद, क्योंकि सारे एक बार हम लोग पहले कर चुके थे, दोबारा फिर कभी करेंगे इस पे, कि किस तरह से एक विंडो इस कांग्रेस की सरकार ने 2012 में खोल दी थी, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, उसके विषय में बताऊंगा। तो ये मोदी की समझ में ये आ गया था, ये जो विदेश में जमा काला धन है ये किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता भारत, इसको वापस लाना असंभव है, इस तरह के दांव पे ये कर गए थे। लेकिन एक काम मोदी कर गए, वो इसीलिए जो मैंने कहा ना कि उस वो 20 लाख करोड़ जो उसे, ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जिसमें मनमोहन सिंह, अंबिका सोनी, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी भी शामिल थे, राज्यसभा में प्रस्तुत हुई, तो उसमें मनीष जी, नरेंद्र मोदी ने दो कानून बना दिए। पहला था FATCA, ये था फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट,
और दूसरा था सीआरएस, कॉमन स्टैंडर्ड ऑन रिपोर्टिंग एंड ड्यू डिलीजेंस फॉर फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन। इसके बाद मनीष जी, जो विदेशों में जमा धन था किसी भी बैंक में हो, उसको निकालना या खर्च करना या कहीं निवेश करना असंभव हो गया था बिना भारत सरकार को बताए, और वो सब बेनामी होता है, जो वहां होता है सब सीक्रेट अकाउंट होते हैं। तो उसके उसके बाद से ये छटपटा रहे। और दर्शक एक तथ्य जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 3.5 लाख शेल कंपनियां रद्द कर दिया, उनका रद्द कर दी। रजिस्ट्रेशन ही, उनका रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया, 20,000 से ज्यादा एनजीओ रद्द कर दिए। तो ये खैरातियों की असली उनका परेशानी तो यही है ना। यही है, और उसकी वजह से विदेश से वो काला धन कोई भी रास्ते से वापस आ नहीं सकता, वहां निवेश हो नहीं सकता, निकाल के खर्च कर नहीं सकते। तो वो जो 20 लाख करोड़ की तिलमिलाहट है, 16 से 36 लाख करोड़ वो कह रहा है, कह रही स्टैंडिंग कमेटी, मैं उसका बीच का फिगर ले रहा हूँ कि वो 20 लाख करोड़ जो, और मनीष जी ये आप भी जानते होंगे कि इस तरह के जो नंबर 2 का काला धन जमा होता है, वहां बैंक ब्याज देते नहीं, बैंक ब्याज लेते हैं। लेते हैं अगर आपका बिल्कुल पैसा जमा हो तो उन बैंकों की जो ब्याज लेने की दर है वो 1% से 3% तक है। तो जी तीन जी परसेंट तो तीन ये समझिए, तो इनकी तो वो धीरे धीरे से हम लोग की कहानी सुनाई जाती थी कि शालिग्राम की बटिया को लेके कि वो गल गए, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, घट गए ठाकुर हम क्या जानी। तो वो वाली चीज है कि इनका तो धन वो घट भी रहा है और ये उसको छू नहीं पा रहे। और नरेंद्र मोदी 2024 में आए तो अगले 5 साल के लिए और ताला लग जाएगा। तो ये छटपटाहट कल जो हम लोगों ने किया था राहुल गांधी के प्रोग्राम, तो आज जो आप पादरी वाली बात कर रहे हैं, ये सारी छटपटाहट, सारी बिलबिलाहट और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो जहर फैलाया जा रहा है, इसके पीछे वो 20 लाख करोड़ का काला धन है। और है। इसीलिए ये किसी भी कीमत पर, चाहे समाज टूट जाए, देश टूट जाए, ये कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, बशर्ते नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट जाए। ये समझाने का, क्योंकि कल हम लोग का प्रोग्राम लंबा हो गया था, तो आज ये दर्शकों को पहले बताना जरूरी था। ये तथ्य ज्यादा समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। ये नरेंद्र, आप देखिए, कोई इनके पास पॉलिटिकल, मनीष जी, कोई इनके पास पॉलिटिकल विजन नहीं है, कोई इनके पास पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई इनके पास पॉलिटिकल प्लान नहीं है कि हम अगले 5 साल में अगर हम सरकार में आए तो हम देश के लिए क्या करेंगे। और सिर्फ एक इनका एक एजेंडा कि मोदी हटाओ, किसी तरह से मोदी मोदी हटाओ, सब मिल जाओ, एक हो जाओ, मोदी हटाओ। तो सोचिए कि इतनी बिलबिलाहट क्यों है इनको, तो वो मैं स्पष्ट करना चाहता था। और मैंने कहा था कि कोई तथ्य इधर उधर का नहीं है, ये राज्यसभा में एक स्टैंड फाइनेंस पर जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसकी रिपोर्ट जून 2019 में आई थी, प्रस्तुत हुई थी। लेकिन मैंने कहा था कि और कोई होता तो ये तमाशा बना देते, ना तो लुटियन मीडिया, ना ये खैराती, ये ना तो इन्होंने तब जिक्र किया था, ना आज भी ये जिक्र नहीं करते। मैं नहीं दर्शकों से कहूंगा करते। कि कम से कम उसमें मनीष जी, दो बातें थी, एक तो इनकी बिलबिलाहट का कारण पता चलता, दूसरे उसका जो पीरियड है कि 1980 से 2010, तो उसमें 70-80% पीरियड तो कांग्रेस शासन काल है। तो ये बदनामी तो कांग्रेस शासन काल में ही कायदे से वो पूरा काला धन गया, वो मतलब 16 से 36 लाख करोड़ रुपए का। तो इसलिए उसको एकदम पी गए ये लोग इन्होंने। लेकिन दर्शकों से कहूंगा कि आप लोग को, अब आप लोग के सामने तथ्य है, इसको पहुंचाइए लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बताइए लोगों को ये जो नौटंकी हो रही है मोदी विरोध की, इसके पीछे ये कारण है, क्योंकि राजनीतिक एजेंडा इनके पास कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है।